जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम अंतर्गत कर रहे हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर। नंबर ऑफ़ फैक्टर के हमने 2 से 3 वीडियो जो है कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट समझाया है कि नंबर के गुणनखंड क्या होते हैं, सम क्या होता है, इवन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हमने बता के रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज से हम इसमें जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, नंबर फैक्टर से जो संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, हम उसी को आज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 240 के, है ना, 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ता है, है ना। 240 का प्राइम फैक्टर करना सीखते हैं, है ना। यहाँ मैं शॉर्टकट बताऊँगा आपको, लॉन्ग या फिर कॉन्सेप्ट से देखना है तो आप इसके लिए हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 240 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 240 को मैं सर यहीं से निकाल देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। ठीक है, 240 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 240 को लिखा जा सकता है 40 × 10। ठीक है, अब इसका हमको प्राइम फैक्टर करते जाना है। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये 5 × 2 हो जाएगा, जो 5 प्राइम है, 10 भी प्राइम है, और फिर 24 हो गया, तो 8 × 3 = 24 होता है, तो 3 इधर लिख लेते हैं। 8 को क्या मैं 2³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर अब क्या करेंगे, तो हमको 2 कितने बार मिल गया, 2 हमको 4 बार मिल गया। ठीक है, 2 हमको 4 बार मिल गया, 3 हमको 1 बार मिल गया, और 5 भी 1 बार मिल गया। ठीक है, हमको कुल गुणनखंड पूछा गया है, तो हमको पावर में एक एक बढ़ा के गुना करना होगा, तो 4 का 5 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और फिर से यहाँ 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 5 × 10 = 10 × 20, आंसर हो जाएगा हमारा 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 360 के कुल सम गुणनखंड निकालने हैं आपको। ठीक है, 160 के आपको सम गुणनखंड निकालने हैं, 360 के सम गुणनखंड निकालने हैं। तो चाहे वो सम निकालना हो या विषम निकालना हो, हमको क्या करना पड़ेगा, 360 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 × 2 इधर हो गया 10 का, फिर हो सकता है 36 है ना, तो 36 का 9 × 36 होता है, तो 9 × ये 4 कर दिया, 4 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 का 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद 5 है, फिर 2 है। अब जमा लीजिए, 2 हमको कितने बार मिला है, 2 हमको मिला है 3 बार। ठीक है, 3 हमको कितने मिला है, 2 बार, और 5 मिला है 1 बार। ठीक है, 5 मिला है 1 बार। अब इसके पावर में एक एक बढ़ा के हमको गुना करना है, लेकिन याद रखिएगा हमको सम पूछा है, है ना। यदि हमको कुल निकालना होता तो सभी के पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको सम पूछा गया है, इसलिए जो सम वाला है उसके पावर में नहीं बढ़ाएंगे, बाकी के बढ़ा देंगे। ठीक है, सम वाला जो संख्या है उसके पावर में हमको एक नहीं बढ़ाना है, एक नहीं बढ़ाना, तो ज्यों का त्यों रख दीजिए पावर को, पावर को ज्यों का त्यों रख दीजिए, ज्यों का त्यों रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो विषम पावर है उसका हमको बढ़ाना है, विषम संख्या के पावरों को बढ़ाना है, तो 2 का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 2, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 18 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, पी और क्यू है, इस पी और क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, पी और क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, पी और क्यू है ना, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं पी और क्यू। तो यदि मैं p × q है, ठीक है, p × q है, तो इसके पावर को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना, इसके पावर को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, ऐसे 1 लिख सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसके बाद हमको कुल निकालने के लिए क्या करना रहता है, पावर में 1 का गुना करना रहता है, पावर में 1 का गुना करना रहता है। ठीक है, तो हमको यहाँ कितने गुणनखंड हो सकते हैं, बस ये बताना है, है ना, कोई प्राइम नंबर है किसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये बताना है, तो किसी प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो किसी, है ना, तो हमारे पास 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होंगे, तो हमको पावर में 1 बढ़ाना है, तो ये 2 और ये 2 = 4, है ना। एक प्राइम नंबर के 4 मिनिमम गुणनखंड हो सकते हैं, कैसे होंगे, अब देखिए आंसर तो हमने 4 ला लिया, कैसे, कैसे का मतलब यहाँ समझिए, जैसे कोई प्राइम नंबर है, जैसे मैंने 2 मान लिया, 2 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो एक तो 1 होगा, दूसरा ये 2 खुद स्वयं होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये P वाला है, अब Q वाला 3 के पास चले जाते हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 का पहला घटक कौन होगा, 1, और दूसरा घटक हो जाएगा 3। अब इसी में पूछ रहा है कि इसी के कितने गुणनखंड हो सकते हैं टोटल के, तो इन टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 3, 4, है ना, इसके 4 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा समझ लीजिए, या फिर यदि हम दो, तो यहाँ गुना के रूप में भी दिखाया गया है,
तब क्या करेंगे, 2 × 3 कर देते हैं, दोनों प्राइम नंबर है ना, याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याएं बोल रहे हैं, तो 3 × कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब 6 के कितने अभाज्य संख्याएं होंगे, या फिर 6 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 6 के तो पहला एक स्वयं होगा, दूसरा स्वयं होगा, एक होगा और स्वयं होगा, बाद में 2 और 3 ये हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4 टोटल यहाँ से भी आप निकालोगे, तो एक किसी दो प्राइम नंबर के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 न्यूनतम गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, 420 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, 420 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो 420 जो है ना, 420 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ये 5 × 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब 42 होता है, 7×6 = 42 है ना, 7×6 = 42 होता है, 7×6 = 42, तो 7 को ऐसे लिख देता हूँ, फिर 6 है, 6 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, अब 6 को काट दीजिए। अब हमारे पास कितने, अब कितने प्राइम नंबर, अब कितने आपके प्राइम फैक्टर हो गए, तो 2 कितने बार हैं, 2 आपके हैं 2 बार, 3 है 1 बार, ठीक है, 7 है 1 बार, और 5 है 1 बार। हमको निकालना क्या है, विषम गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, विषम गुणनखंड निकालना है, और विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम वाले टर्म को पूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी में एक एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब है, 2 की पावर 11 है, 3 की पावर 19 है, और 5 की पावर 23 है, के कुल कितने गुणनखंड होंगे, के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे ये देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिएगा जो नंबर दिया गया वो प्राइम में है कि नहीं है, तो 2 जो है प्राइम में है, 3 प्राइम में है और 5 प्राइम में है, ठीक है, 2 प्राइम में है, 3 प्राइम में है और 5 प्राइम में है, तो इसके पावर को एक एक बढ़ा लेते हैं, तो ये 11 से हो जाएगा 12 गुना, ये 19 से हो जाएगा 20, और 20 से हो जाएगा ये 24, ठीक है, 20 से हो जाएगा ये 24। अब आपको नीचे जो संख्या दिया गया है उसमें आपको इसको गुणनखंड के आप गुना करना है, ठीक है, तो यदि आप बाय ऑप्शन बनाना चाहेंगे तो बाय ऑप्शन बना सकते हैं, यदि बाय ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाय ऑप्शन नहीं बना सकते, है ना, आपको पूरे गुना करके देखना पड़ेगा। बाय ऑप्शन कैसे बना सकते हैं देखिएगा, बाय ऑप्शन कहने का मतलब क्या होगा, जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना वो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट होगा, 12 20 और 24 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इतना तो आपको पता है। यदि हम पूरे इस 12 और 24 को अगर गुना करते हैं, 12 20 और 24 को, तो नीचे कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, इसका मतलब 12 20 और 24 के इसमें गुना होगा, है ना, इतना पता है, 12 20 24 का गुना होगा। अब क्या करेंगे, हाँ यदि हम बाय ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो 12 में क्या निहित है, 3 और 4 निहित है, ठीक है, मतलब नीचे जो संख्या दिया गया है वो 3 और 4 से कटना चाहिए, या 3 से कटना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, ठीक है। यदि हम यहाँ 20 ले लेते हैं तो ये 5 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, जितने भी नीचे संख्या है, यदि कोई ऑप्शन होगा तो एक ही कटेगा, सभी नहीं कटेगा ना, और 24 का मतलब है तो 8 + 24, या 8 से कटना चाहिए या फिर 3 से कटना चाहिए, ठीक है, और 3 से कटने का नियम आपको पता है, जो ऐसी संख्या जिनका योग 3 से कटता है वो 3 से कट जाएगा। देखिए इसमें कितना ये हो गया, 8 × 4 = 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 = 19 हो गया, जो 19 3 से नहीं कटता पूरा काट दीजिए, इसको कटने लायक नहीं है, ठीक है। ये ऊपर देखिए 8 × 2 = 10, 10 = 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए मैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, है ना, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है, चाहे तो आप सीधा 12 से भाग करके देख सकते थे, लेकिन हमको उतना डीप में नहीं जाना है, जब हमको पता है 3 और 4 का रूल क्या है तो हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको 3 से देखिए, क्या 3 से कट रहा है क्या, 6 × 6 = 5 = 11, और 11 और 7 हो जाता है 18, जो 18 3 से कट रहा है, ठीक है, ये 9 × 6 = 15, ये 3 से कट रहा है, तो ये दोनों 3 से कट रहे हैं, लेकिन दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है, दोनों आंसर कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों आंसर कभी भी नहीं होंगे। अब देखते हैं हम 5 से कटने वाले की संख्या, जो लास्ट हम 0 तो 5 से कट जाएगा, तो हमने 3 से काट के देख लिया, 5 से काट के देख लिया। देखिए यदि आपके पास समय है, यदि आपके पास अच्छा आपको पूरा गुना करना आता है तो आप फटाक से गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ऑप्शन को आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं,
ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चन जिसको आप बाय ऑप्शन ही बना सकते हैं। तो पाँच से सभी कट जाएगा। चार से कटने का नियम क्या होता है, जो लास्ट का दो अंक जो है चार से कटना चाहिए, लास्ट का दो दो अंक जो है वो चार से कटना चाहिए। तो चार से साठ कट रहे, यदि बारह पंजे साठ, बारह पंद्रह चौक साठ, तो चार से भी कट जाएगा। ठीक है, सभी संख्या से कटना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक ही संख्या से कटना चाहिए, सभी संख्या से कटेगा तभी वो पूरा कट पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचता है आठ। आठ का रूल होता है कि लास्ट के आपको तीन डिजिट को भाग करके देखना होगा। अब देखिए क्या 960 कट रहा है क्या आठ से, तो ये हो जाएगा आठ एक कम आठ, आठ दूनी सोलह। ठीक है, तो ये आपकी आठ से तो ये भी कट गया, ठीक है, आठ से ये भी कट गया और आठ से ये भी कट रहा है। लेकिन अब स्थिति में क्या होगा, आपको पूरा गुना करके देखना ही पड़ेगा। मैंने इसलिए इसको बताया, हो सकता है किसी एक ऑप्शन से ये भी कट जाता तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये आंसर हो जाता, लेकिन ये कटा ही नहीं, हमारे पास दो आंसर हो गया। तो इसकी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको 12, 20 और 14 को गुना करके ही देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, कोई भी चारा नहीं है। आप चाहते तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं, है ना। 12 देखिए, अब यहाँ तक आ गया तो 12 से चेक कर लीजिए, 12 और 20 को गुना करेंगे तो 960 से ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। आपको ऑप्शन ऐसे ही बना के चलना है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको स्लो लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसी स्पीड बनाना है। देखिए आपने तीन को फटाफट काट लिया, तीन से काट लिया, अब उसके बाद आपने देखा कि 12 और 20 का जैसे ही गुना करते हैं तो 12 दूनी 40 हो जाता है, है ना, ऐसे 12 दूनी हो जाता है 24, 12 दूनी 24 हो जाता है, जो इससे ऊपर इसे अमाउंट जो है बड़ा हो जाएगा, 960 से बड़ा हो जाएगा, या 24 को 20 से गुणा करेंगे तो 960 से ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट आंसर ये मार के चलना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 का पावर है 7, 3 का पावर है 2, 5 का पावर है 3 और 7 का पावर है 4, गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, जो 24 से भाग होना चाहिए, ठीक है, जो 24 से भाग जाना चाहिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है। ठीक है, 24 से विभाज्य हो ऐसी गुणनखंड की इसकी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, है ना, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो 24 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमको 24 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 24 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको मिलता है 2 की घात 3 और 3 की घात 1, मतलब 8 दिया 24। ठीक है, 8 दिया 24। अब 8 दिया 24 दिया गया है तो ये जो प्राइम फैक्टर है इसमें हमको अब कॉमन निकालना है इसको, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो हम आंसर लिख क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 की घात 7 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 3 गुना 4 की घात 7। ठीक है, अब इस पूरे संख्या में 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 को हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ से कॉमन निकालना है, तो हम देखिए जहाँ से निकालते हैं वैसे निकालना, जैसे नहीं निकलेगा वहाँ से आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। 2 की घात 7 है और 2 की घात 3 है, 3 निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 2 की घात 4 बचा। ठीक है, यहाँ 3 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 3 निकल गया 1 बचा, 5 यहाँ का निकलेगा नहीं क्योंकि 5 अब बाहर है ही नहीं, तो 5 निकलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, 7 भी निकलने की कोई संभावना नहीं, 7 बाहर है नहीं। अब इसका आपको टोटल नंबर ऑफ TNF निकालना है, TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे, एक संख्या बढ़ा दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 5 चौक 20। ठीक है, ये होता है 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 40 पंचे 200, आंसर आ गया हमारा 200। पता है ना, 20 का विभाज्य मतलब जो है ये 20 से विभाग हो जाएगा, जैसे इसको हम कॉमन निकालेंगे तो बाकी जो संख्या है 20 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की घात 7 10, 2 की घात 7 है, 3 की घात 8 है, 5 की घात 9 है और 10 की 7 की घात 10 है ना। इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो क्या मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है आपको पावर में, है ना, पावर में आपको 2 का भाग देना है और पूर्ण भागफल को लिखना है, पूर्ण भागफल को आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो 2 की घात 7 गुना 3 की घात 8 गुना 5 की घात 9 गुना 7 की घात 10 में आपको 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है
दो का भाग देना है, हमको वर्ग निकालना है ना, दो का भाग देके पूर्ण वर्ग, पूर्ण शेषफल लिखना है, सॉरी पूर्ण भागफल लिखना है। तो दो तिया छः तो तीन बार गया, ठीक है, गुना यहाँ दो है या आठ है, तो ये आपके चला जाएगा चार बार चला जाएगा, ठीक है, ये चला गया चार बार, ठीक है। उसके बाद दो की नौ को दो से, दो को नौ से भाग देना है, तो दो चौके आठ, चार दुनिया आठ, तो ये चार बार चला गया ये भी। उसके बाद है दो पंचे दस, तो ये पांच बार चला गया। अब क्या करना है, हमको इसमें एक एक बढ़ा देना है, तो ये चार हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, ये छः हो जाएगा। टोटल गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 600, ठीक है, टोटल गुना करेंगे तो हमको इसमें मिल जाएगा 600 मिल जाएगा, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, 12 की घात 7 है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, 12 की घात 7 है, 30 की घात 8 है, 5 की घात 9 है और 8 की घात 10 है। देखिए सबसे अभी तक हमने आपको बताते गया है, यदि कोई भी संख्या होता है तो उसको हम प्राइम फैक्टर पहले करते हैं, ये जो ऊपर संख्या दी है वो प्राइम फैक्टर में नहीं है। सबसे पहले मैं 12 को करता हूँ, तो 12 किस में प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 12 को करूँगा तो 12 हो जाएगा, मैं 4 दिया 12 है ना, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3। हमको यहाँ पूर्ण घन निकालना है ना, इसमें हमको यहाँ पूर्ण घन निकालना है, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर तो कर ही लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, गुना 30 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ एक एक करके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं ताकि आसानी से हो सके। 12 को प्राइम फैक्टर में ऊपर ही कर दूं क्या, कलर बदल के मैं ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है, रेड कलर में ऊपर ही कर देता हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 दिया 12। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं आप में 15 दुनी 30 है ना, तो 15 दुनी 30 का मतलब होता है आपके 3 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया, इसका पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर 7, 5 तो वैसे भी प्राइम में है, 8 को लिख सकते हैं, तो 8 की 2 की घात 3 इंटू 10, ठीक है, 2 की घात 3 इंटू 10। अब हम पूरे नीचे को जमा लेते हैं, अब हम पूरे नीचे में जमा लेते हैं, ये 2 को भी मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2, यहाँ मुझे मिल जाएगा 14 बार, ठीक है, 2 यहाँ मिल जाएगा मुझे 14 बार, गुना 3 कितने बार मिलेगा, 3 तो पहले मुझे यहाँ 7 बार मिला है, फिर यहाँ 3 मुझे 8 बार मिल जाएगा, फिर मुझे 5 8 बार मिल जाएगा, फिर मुझे 2 8 बार मिल जाएगा, ठीक है, गुना 5 9 बार है, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये 8 जो है, 2 जो है 3 बार है और 10 का गुना है, तो ये हो जाएगा 2 3 30, ये वाला, ठीक है, 30। अब आपको 2 और 3 ये सब छांट के एक जगह लिख लेना है, 2 कितने बार है, यहाँ 14 है, ठीक है, यहाँ 30 है, 14 है, 30 है, और 2 और कहीं पे है क्या, यहाँ, यहाँ भी आपका 8 बार है, तो टोटल 2 आपका है 52 बार, ठीक है, 2 टोटल 52 बार है, गुना 3 कितना बार है, टोटल 3 आपका 15 है, यहाँ 7 है, 8 है, 8 7 15, तो ये 15 बार है, गुना उसके बाद आपका 5 कितने बार है, तो 5 देखिए यहाँ 9 बार है, यहाँ 8 है, 9 दुनिया 18, 18 एक 17 बार है, 5 ये 17 बार है, ठीक है, ये हमने पूरे लास्ट के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब बताना है आपको पूर्ण घन, पूर्ण घन को मैंने बताया था आपको, पूर्ण घन के लिए आपको 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है और पूर्ण भागफल लिखना है। पूर्ण भागफल लिखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 3 पंचे 15, यहाँ भी 3 पंचे 15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके 17 बार में, 17 दिया 51, ठीक है, तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला 17 गुणित 5 गुणित 5। अब इसमें एक एक बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 18, 6 इंटू 6, पूरे को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, इसमें आ जाएगा आपका 648 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पूरा गुना करेंगे तो 648, ठीक है, कैसे किए हैं देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रिवाइज करके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 की घात 7 है, 8 की घात 3 है, 25 की घात 9 है और 7 की घात 10 है, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों हो, पूर्ण वर्ग और घन दोनों हो, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर है ना, ये 20 है, 20 को हम और क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं
पाँच चौके 20, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 चौके 20, इस पूरे का वर्ग है 7 गुना, 3 का तो 8 है ही, इसको आवश्यकता नहीं है, ये प्राइम नंबर में है। उसके बाद है आपके पास 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×25, तो 5×5 है ना, ऊपर लिख सकते हैं हम ऐसा 9, ठीक है, 5×5, या फिर इसी को 5×5 ना लिखे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, 5 का स्क्वायर होगा और ऊपर 9 हो जाएगा, तो मुझे आसान हो जाएगा, ये 7 10 बार है, ठीक है। अब देखते हैं 2 कितने बार है, 5 कितने बार है, और कौन से कितने कितने बार है, तो यहाँ आपके मिल जाएगा 2 आपको मिलेगा 14 बार, कहाँ कहाँ 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा टोटल 14 गुना, 3 आपको मिला है 8 बार, ठीक है, गुना 5 कितने बार मिला है ये देखिएगा, 5 आपको मिला है 25 बार, कहाँ से 25 देखिएगा, ठीक है, ये 9 है तो 9 दुनिया 18, तो यहाँ हो गया 18 और 7, यहाँ देख लीजिएगा 18 और 7, तो 18 और 7 हो जाता है 25, ये 25 बार मिला है, गुना 7 आपको 10 बार मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया क्या है, अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन का पूर्ण वर्ग का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, घन का मतलब होता है एक्स क्यूब, टोटल इसका एलसीएम लेंगे तो 6, मतलब हमको पूरे पावर को 6 से भाग देना चाहिए, 6 और पूर्ण भागफल को लिख लीजिए, पूर्ण भागफल को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा है ना, ये 1 बार में जाएगा, ठीक है, 3 जो है 1 बार में जाएगा, और 6 है तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ये 4 बार में जाएगा, और ये 10 6 है तो ये भी 1 बार में जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ लिख लीजिए क्या मिला हमको, यहाँ से आपको मिला है 2 गुना 4 गुना 1 गुना 1, अब इसमें एक एक बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 3, 4, 2 और 2, ठीक है, 4 नहीं होगा यहाँ 5 होगा ना, वैसे भाई भी बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 15 + 5 = 15, 15 × 30, 30 × 60, ये आंसर हो जाएगा हमारा 60, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक एक सब बढ़ाना है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4^11, 4^12, 4^13 और 4^14, जब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, एक के आपको पूरे धनात्मक गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें ना देखिए, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन यहीं से एज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ मैं 4^11 कॉमन ले लेता हूँ, 4^11 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1, यहाँ बच गया 4^1 प्लस 4^2 प्लस 4^3, ठीक है, यहाँ 4^ है 11 है, बाकी को हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1, ये 4 हो जाएगा, ये 4×16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, ठीक है, इनको हम जोड़ लेते हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4^11 × 85, ठीक है, 4^11 × 85, अब इसको हमको प्राइम फैक्टर में लाना है, प्राइम फैक्टर में लाएंगे तो क्या होगा, 4 में क्या चीज़ रहता है, 4 में 2×2 है ना, 2×2 है, 2×2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2^22, ठीक है। अब होता है 17×5 = 85, यहाँ पे 17×5, 17 भी प्राइम है और 17 भी, 5 भी, तो यहाँ पावर कितना होंगे, 1-1 हो जाएंगे, 1-1, ठीक है। अब इसका टोटल ऑफ नंबर देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 का गुना, तो 1-1 बढ़ाना है पावर में तो 22 का हो जाएगा 23, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 92 आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, यदि 2^9 गुना 3^7 गुना 5^4 गुना 3^7 = 3, एन कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, एन जो है कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बोला है ना, तो यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2^9 गुना 3^7 गुना 5^ कितना है, 5^ है आपके 4 गुना 7^3,
ठीक है, ये हो गया। आपको पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग के लिए आपको दो से भाग देना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग के लिए दो से भाग देना पड़ेगा और पूर्ण भागफल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पूर्ण भागफल एक आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ दो तीन छः आएगा, तीन आएगा, ठीक है, यहाँ तीन आएगा और यहाँ आ जाएगा चार, ठीक है। क्योंकि क्या क्या मिला, फोर इंटू, ठीक है, हमको क्या क्या मिला यहाँ पे, फोर इंटू फोर इंटू हमको मिला यहाँ पे फोर इंटू थ्री मिला, गुना टू गुना वन, इतना मिला है। अब हमको पूर्ण, आपको पूर्ण को पूर्ण वर्गों का संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें एक एक बढ़ा दीजिए, तो ये पाँच हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा दो, ठीक है। पाँच चौकी बीस, है ना, और बीस तीस साठ, साठ दूनी एक सौ बीस, ये एक सौ बीस हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नौ बराबर एन के बराबर है नौ नौन्य, है ना। नौ कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, नौ जो है कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। चलिए ठीक है, ये हमको दिया गया है नौ के घात नौ, लेकिन नौ कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि हमको प्राइम नंबर में चेंज करना रहता है। तो नौ को हम कैसे लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ नौ होगा, ठीक है, तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, नौ होगा, ठीक है। ये हो गया नौ दुनी अट्ठारह, मतलब तीन के घात अट्ठारह हो गया। निकालना क्या है, पूर्ण घन, घन मतलब तीन से भाग, तो तीन से भाग कर दीजिए, तीन से भाग करेंगे तो आपके छः बार जाएगा, ठीक है, छः बार जाएगा, और पावर में एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सात, तो हमारा आंसर हो जाएगा सात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो के पावर चार, तीन के पावर पाँच, दस के पावर चार के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं जो एक से अधिक है, जो एक से अधिक है। तो सबसे पहले हम इसको पावर बेस में ले आते हैं, ये चार हो जाएगा, तीन का तो प्राइम ही है, दस में आपको प्राइम क्या हो मिलेगा, पाँच दूनी दस मिलता है, तो पाँच के घात चार हो जाएगा और दो के घात भी चार हो जाएगा। टोटल दो कितने बार आया है, दो आपको मिला है आठ बार, पाँच मिला है चार बार और तीन मिला है पाँच बार, ठीक है, तीन मिला है पाँच बार। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो एक से बड़ा हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो एक से बड़ा हो। तो इसमें तो एक से बड़ा सभी है, दो भी बड़ा है, पाँच बड़ा है, एक भी बड़ा है, तो हम पूर्ण वर्ग निकालना है। वर्ग के लिए हमको दो से भाग देना है, ये दो से भाग दे दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, पूर्ण भागफल को लिख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा दो, यहाँ भी आ जाएगा दो, यहाँ भी आ जाएगा दो चौके आठ, तो यहाँ चार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, चार दो दो, ठीक है, चार दो दो आया, बढ़ा के बढ़ा दीजिए कि पाँच तीन तीन, पाँच तीन तीन, तो ये हो गया पाँच थे पंद्रह और पंद्रह थे पैंतालीस, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक और अंडर रूट एन के बीच, है ना, यदि जो है एक और अंडर रूट एन के बीच, एन एन के बीच एन के चौदह गुणनखंड है, तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, एन के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको पहली क्लास में बता दिया था कि यदि किस कोई संख्या जो है पूर्ण वर्ग होता है, है ना, कोई संख्या पूर्ण वर्ग होता है तो वो संख्या बीच में रहता है, बाकी आगे पीछे उसके इक्वल नंबर्स रहते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है ये एन है, है ना, एन है, तो क्या बोला है, एन के, है ना, और एन के चौदह गुणनखंड है, एन के कितने गुणनखंड है, चौदह गुणनखंड है, एन कितने गुणनखंड है, तो चौदह गुणनखंड है, ठीक है, ये हो गया। अब बोला क्या गया है, एक और एन के बीच, यहाँ एक लिख देता हूँ, है ना, यहाँ एन के बीच कितने हैं, चौदह हैं, ये चौदह हो गए। तो एक जो एन के हैं, यहाँ पे जो और कोई संख्या होगा एन, उसके बीच भी चौदह ही होगा, है ना, उसके बीच भी चौदह ही होगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये चौदह, ये चौदह, चौदह ने अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस, ठीक है, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये एन बीच में रहेगा, ये बीच, ये बाद में, ये इधर रहता है,
ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे वाला है ये देखिए, जैसे हमको कोई 16 जो है ना, 16 का हमको वो निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, तो एक होगा और लास्ट में 16 होगा, तो यहाँ एक बराबर होता है आपका n, ठीक है, ये 16 बराबर होता है आपका n, ठीक है। अब ये 16 किस किस से भाग जाएगा, तो 16 दो से भाग जाएगा, 16 जो है दो से भाग जाएगा, 16 किस से भाग जा सकता है, तीन से नहीं जाएगा, 16 चार से भाग जाएगा, और 16 किस से भाग जाएगा, 16 आठ से भाग जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका जोड़ा बनाते हैं तो इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, बीच वाला का जोड़ा नहीं बनता, वही आपका स्क्वायर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, वही जो है आपके रूट के फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में रहते हैं, यही दिखाया गया है ना। यहाँ n का मतलब है यहाँ पे 16 है, n का मतलब एक मोटा मोटा मान लेता हूँ, 16 यहाँ पे है नहीं, n का मतलब कोई संख्या है, और वो जो x स्टार्ट हो रही है, बीच में उसका जो स्क्वायर वाला पार्ट है जिससे वो स्क्वायर बनता है वो वाला हिस्सा है। तो एक यहाँ पे देखिए, एक और चार के बीच यदि मैं बात करूँ, एक और चार के बीच दो है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ स्क्वायर और एन के बीच कितना, एक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए एक और एन के बीच 14 इधर है, 14 इधर है, तो 14 दुनिया 28, एक 29, 30 और 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत में 19वें और 35वें स्थान पर है एन के बराबर है, तो पता लगाएं कि एन के कितने गुणनखंड हैं, एन के कितने गुणनखंड हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल है ना जो शुरुआत में तो 19 है और 35वें स्थान पर है, तो एन के बराबर है, यदि संख्या एन के बराबर है तो पता लगाएं कि एन के कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या होगा ये देखिएगा, कोई संख्या है जो ऐसे चल रही है 19 तक है, ठीक है, ये 19 तक है और 35वें स्थान पर है, यदि उन गुणनखंडों का जो गुणनफल शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है, गुणनफल जो है शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है, तो यहाँ लिख दीजिए आपका 35वें स्थान पर है, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर बताना है, तो क्या करना है आपको, 35 में आपको 19 जोड़ के एक माइनस कर देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 53, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 53। क्या बोला है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें हैं, ठीक है, और वो 35वें स्थान पर बैठे हैं, तो जो संख्या जो है n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड होंगे, तो n के 53 गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट संख्या पढ़िए, यदि एक और n के बीच 11 गुणनखंड है, तो n के गुणनखंड कितने होंगे, फिर से वही वाला सवाल, यहाँ n रख लीजिए, यहाँ एक है, यहाँ 11 संख्या है, तो इधर भी n के बीच 11 हो गया, तो 11 ने 22, 23, 24, 25, ये सी हो जाएगा आपका 25 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 7 है, 3 की घात 8 है, 5 की घात 9 है और 7 की घात 10 है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पक्का करा दिया है, ठीक है, फिर भी आपको एक बार और इसमें बता देता हूँ। इसमें आपको एलसीएम लेना रहता है 2 और एलसीएम आपको लेना है इसमें 2 और 3 का, 3 इसको एलसीएम हो गया 6, ठीक है, एलसीएम हो गया 6। अब इसको 2 की घात जो 7 है इसको 6 से भाग दीजिए, 3 की घात 8 को आपको 6 से भाग देना है, गुना 5 की घात 9 को 6 से भाग देना है, और 7 की घात 10 को आपको 6 से भाग देना है, और पूर्ण गुणनखंड लिखना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और ये 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 2 ये 2 आ जाएगा, तो 6 × 12 होता है, तो फिर 1 × 1 × 1 × 2, ठीक है, पूर्ण घन और वर्ग है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, तो ये हो गया आपका 3 × 6 = 6 × 12 = 12 × 24, ये 24 का आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 900 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन वर्ग है, 900 के है ना कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो हम 900 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो 900 है, 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 के हम 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 30 × 30, ठीक है, 30 × 30 लिख सकते हैं,
तो 30 × 30 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 × 5 = 15, 15 × 30 ये स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब 2 का 2 बार आएगा, 3 जो है ये भी 2 बार है, 5 जो है ये भी 2 बार है, सभी 2 2 बार है। और हमको निकालना है वर्ग, वर्ग मतलब होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है नीचे जो संख्या दी गई है उसके पावर में हमको 2 का भाग। ये आगे एक बार में जाएगा, ये एक बार में चला गया और ये एक बार में चला गया, 1 × 1 × 1, एक एक बढ़ाएंगे तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये आंसर आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, इनके गुणनखंड के सभी का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सभी का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था फार्मूला। फार्मूला क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर n लिख लीजिए, पावर में 1 प्लस कीजिए, -1 कीजिए और n -1 कर दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं 2, 2 का पावर है 3, उसमें 1 बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है 4, माइनस करेंगे 1 और 2 - 1 इस प्रकार। ठीक है, 5 को लिख लेते हैं, 5 का जो स्क्वायर है ना, 5 का जो स्क्वायर होगा उसको हम 3 कर देते हैं और ये हो जाएगा -1 और 5 - 1। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे पावर में 3 - 1 और 3 के -1 इस प्रकार। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 के घात 4 है तो 16 हो जाएगा और 16 में 1 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 15, और नीचे 1 है तो 1 कोई काम का नहीं है। ठीक है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 1 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा, 124, 124 को 4 से भाग दे दीजिए, 124 है उसको 4 से भाग दे दीजिए, 124 को 4 से भाग दे के देखिए, ये हो गया आपका 124, इसको 4 से भाग दीजिए, है ना, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 मतलब 31 बार में गया, तो ये 31 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अगला है आपका, है ना, अगला है आपका 3 का क्यूब होता है 13 23, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 1 माइनस हुआ तो 26 और नीचे होता है 2, तो 26/2 का मतलब होता है 13, तो यहाँ 13 लिख लीजिए। अब इन सभी को गुना करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी गुना करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपने यूनिट डिजिट मेरे से अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है 5 का यदि किसी विषम संख्या से मुलाकात होता है तो लास्ट में 5 होता है ना, तो यहाँ 5 है, यहाँ सब 3 है 1 है सभी विषम है तो लास्ट में 5 होना चाहिए, और हमारे ऑप्शन नंबर ई एक ऐसा है जहाँ केवल 5 है, तो ये हो जाएगा 60 45। तो कभी कभी आपको यूनिट डिजिट देख कर भी आंसर बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की घात है आपका 2, 5 की घात है 2, 7 की घात है 1, सभी के सम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। सम गुणनखंड के अब मेट्रिक काम नहीं करेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंड में क्या करते हैं, 2 के पास पावर को जो है 0 से स्टार्ट नहीं करते, उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 या प्लस का साइन रहेगा और 2 की पावर 2। ठीक है, गुना अंदर 5 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 का 1 प्लस 5 का 2। ठीक है, इसी प्रकार और गुना लगा दीजिए और 7 का 0 से स्टार्ट कीजिए और 7 का 1 से। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 4 = 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, 5 और 25, तो 25 और ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा और 7 × 1, ये हो जाएगा आपका 8। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट से करना है, तो यूनिट डिजिट से एक बार करके देख लेते हैं, 8 × 1 = 8 है ना, 8 × 1 = 8 या फिर 6 × 6 = 8, 6 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, और 8 यूनिट डिजिट किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा 14 × 48 है ना, ऑप्शन नंबर ए। आपको यूनिट डिजिट से ही निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है 3 की घात 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है। ठीक है, और इससे 7 है, सभी विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अंक पूरे प्राइम फैक्टर में है, बिल्कुल अंक सभी अंक आपके प्राइम में है, प्राइम फैक्टर में है, तो ये हमको देखना है 2 की घात 3 है गुना 3 की घात 2 है गुना 7 की घात 1 है।
हमको निकालना है विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड का योग निकालना है, तो इसको हमको हटा देना है, सम वाले को पूरा हटा देना है, बाकी का हमको निकालना है। तो बाकी यदि ऑड का निकालना है तो आप इसका रूल से भी निकाल सकते हैं, है ना, ऑड का निकालना है तो रूल से निकाल सकते हैं, या फिर एक और रूल है वहाँ से निकाल लीजिए, 3 की घात 0 से स्टार्ट कीजिए, +3 की घात 1 +3 की घात 2, ठीक है, गुना 7 एक बार है तो 7 के 0 और ये 7 1 पावर, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और 9 9 और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 12 12 और 1 13, ये 13 हो गया, 7 1 8 हो गया, इंटू 104, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के गुणन खंडों का औसत ज्ञात कीजिए, है ना, आपको औसत वाला पार्ट नहीं बताया गया था, इसको हम लास्ट ही बता देता हूँ औसत क्या होता है, फिर इसके बाद हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है, औसत वाला एक पार्ट हम देख लेते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने औसत वाला नहीं बताया था, औसत का फार्मूला होता है, देखिए औसत का फार्मूला है आपका सम ऑफ TNF, है ना, सम ऑफ TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और नीचे हो जाएगा आपका TNF, ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका TNF। तो 120 का प्राइम फैक्टर पहले कर लीजिए, 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 120 का प्राइम फैक्टर करना है ना, हम सबसे पहले करते हैं 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 120 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 120 का प्राइम फैक्टर होता है 2 की घात 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, हमको TNF टोटल सम इसका योग निकालना है, ठीक है, TNF हमको निकालना है, तो TNF कैसे निकलेगा, नीचे वाला टोटल अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या में एक एक बढ़ा दीजिए, 4 2 और 2, 4 दुनिया 8 8 दुनिया 16, तो ये 16 आ गया, इसके जगह हमको 16 लिख सकते हैं, ठीक है, TNF आप क्या है, ये क्या चीज़ है, TNF है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, ठीक है, अब इसका हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है, इसका योग ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, योग के लिए देखिए, योग के लिए क्या करना है, तो 2 का पावर है ना, 2 का पावर 3 होता है, तो ये 15 आ जाता है, पिछले वीडियो मैंने बताया था, फिर भी इस वीडियो में और बता देता हूँ, ठीक है, इसको बेसिक मेथड से बताते हैं, ठीक है, इसको हम बेसिक मेथड से बताते हैं, तो हमको यहाँ 2 के पावर 0 लिखना है, +2 के पावर 1 +2 के पावर 2 +2 के पावर 3, ये हमको बेसिक से लेके जाना है जहाँ तक है, 3 का 0 है +3 के पावर 1, ठीक है, उसी प्रकार एक और है 5 0 है और 5 के पावर 1 है, ठीक है, अब इसको पूरा जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाता है आपका 15, 1 और 3 हो जाता है आपका 4 और 5 और 1 हो जाता है 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो 360 आता है, ठीक है, ये आपका योग ज्ञात कर लिया, अब इसको हमको पुटअप करना है, आपको इसको पुटअप कर देना है, पुटअप कहाँ करना है देखिएगा, है ना, हमको सम पता चल गया 360 सम है और TNF कितने है 16 है, इसको भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, भाग देंगे तो आपको कुछ पॉइंट में आ जाएगा 22.5 आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपके 22.5 आएगा, यहाँ ऑप्शन आपके पूरे गलत दिए हुए हैं, है ना, यहाँ आप कुछ 22.5 ले लीजिएगा, 22.5 आप ले लीजिएगा, इसमें ये आंसर ही आ जाएगा 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, 360 गुणनफल के गुणनफल ज्ञात करना है, ये आपके प्रोडक्ट वाला हिस्सा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।